10:30 बजे से हम लोग ना खुजली करना शुरू किए और 3:30 बजे तक हम लोग ने लिटरली खुजाया बिल्कुल। सो बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, अपनी मेडबैक्स प्यारी जान जो हम लोग को इतना दूर तक लेके आ गई। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एक बारी फिर से हमारे चैनल पे। तो आज है नेक्स्ट दिन, कल रात को हम लोग ने टेंट हाउस ले लिया था और ट्रस्ट मी कल रात ना बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नींद नहीं आई थी बिकॉज़ यहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई है ना, मतलब कि क्या बताओ। मतलब लिटरली 10:30 बजे से हम लोग ना खुजली करना शुरू किए और 3:30 बजे तक हम लोग ने लिटरली खुजाया बिकॉज इस बेड पे ना कुछ तो कीड़े हैं, खटमल है और ना लिटरली बहुत ज़्यादा काट रहे हैं, अगर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे तो। बट बहुत सारे कीड़े थे और इस वजह से हम लोग को नींद ना बिल्कुल भी नहीं आई है। अभी बहुत ज़्यादा हम लोग एग्जॉस्टेड है। सो अभी हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने जाएंगे तो वीडियो में बने रहिए आप लोग। गाइज ये देखो बेड की हालत ऐसी कुछ हो गई है, बाकी मैं आप लोग को बाहर का एक बारी व्यू दिखा देता हूँ। तो भाई क्या बोल रहे हो अभी तक तो खुजा रहा है। सो बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, अपनी मेडबैक्स प्यारी व्यू तो प्यारा है, हम लोग ने व्यू देख के ही एक्चुअली यहाँ पे ले लिया था। बट ठीक है यार, अभी क्या ही कर सकते, जो हो गया हो गया। अब हमारे साथ थोड़ा बुरा लिखा हुआ था तो हम लोग ने वो झेल लिया। क्या बोलते हो ऋषभ भाई, सही ना? आज बोल रहा हूँ ना, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। बाहर से देखने में अच्छा लग रहा है, अंदर से कुछ अच्छा नहीं इसका। और अपनी बाइक को स्टार्ट कर दिया गया, थोड़ा देर एक्सीलेटर देकर रखो। सो अभी हमारी बाइक हो रही है कोल्ड स्टार्ट और बाकी सब एकदम मस्त है। तो चलो मिलते हैं हम लोग सीधा अभी आगे आप लोग को। सो गाइस चलो अभी चलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी हम लोग। यहाँ थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग है और ये सब भैया ये लोग को ये चीज़ तो रिपेयर करना चाहिए भाई, अगर वीडियो में इतना जस्टिफाई नहीं कर रहा रहेगा। बट बहुत ज़्यादा पत्थर है और ना लिटरली आगे का टायर ना स्लिप मार रहा है तो ये चीज़ बहुत खतरनाक है। सो फाइनली हम लोग ने पार कर लिया सबसे बड़ी परीक्षा और अभी हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी की ओर बढ़ते हुए, चाय और कुछ नाश्ता करना ज़रूरी है बिकॉज ब्रश हम लोग ने कर लिया है और हमारे पास एक्चुअली कुछ खाने के लिए नहीं है। तो फटाफट से जाते हो, मतलब जो छपरी गिरी करता है आप लोग उसको सब्सक्राइब करते हो, हमें नहीं करते हो। सो अभी हम लोग कुछ खाते हैं, बाकी सब बहुत बढ़िया है। अपनी मैडमैक्स खड़ी है, कितनी प्यारी लग रही है। सो चलो आगे का वीडियो हम लोग आप लोगों को बताते हैं। सो गाइज अभी हम लोग चल रहे हैं, बहुत तेज़ धूप है, थोड़ा 3-4 किलोमीटर हम लोग आगे आए थे जहाँ से हमें व्हीकल मिलती है, मतलब यहाँ पे बस चलती है, प्राइवेट व्हीकल अलाउड नहीं है। सो हम लोग ने अपनी गाड़ी को वहाँ पर पार्क किया हुआ है। वहाँ पे टिकट लेना पड़ता है क्या? और बहुत ज़ोर की धूप आ गई है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ऊपर से मैंने ब्लैक पहना हुआ है। एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो चलो सो ऋषभ भाई ने एक्चुअली पूछा था वहाँ पे टॉप पे जाने का, भाई बताओ कितना 380 पर पर्सन ना, पर पर्सन। और चेस्ट तक जाने का 350 और उसके बाद सीधा नीचे ना, उसके बाद डायरेक्ट नीचे, तो उसके बाद घुटने तक है जो कि हम लोग घुटने तक है ना, नहीं अपन सीधा नीचे एकदम अपन 150 में है भाई। सो गाइस हम लोग ना 150 वाले में एकदम नीचे, पता नहीं अब घुटने से भी नीचे, हम लोग का एडी पे, हम लोग आशीर्वाद ले रहे हैं, हम लोग एडी पे हैं। एडी को क्या बोलेंगे भाई, एंकल तक हम लोग टोप पे, मतलब ऊपर जाना ही नहीं है बिल्कुल भी। क्या फालतू की भाई, बहुत ज्यादा कॉस्टली है, अभी वहाँ पे जाके पता चलेगा कि कितना वर्थ इट है। सबसे बड़ा अपडेट है भाई कि अगर यहाँ पे आना है तो अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जरूर कैरी करना, यहाँ पे कैशलेस है एंड ऑनलाइन भी नहीं है। हाँ तो यहाँ पे अगर जो भी आता है तो ये बात ध्यान में रखिए, कार्ड लेके आइए क्योंकि यहाँ पे ना गूगल पे चलता है और ना ही आपका
कैश चलेगा। अभी हम लोग जाके आगे देखते हैं कि कितना ज़्यादा वर्थ है। सो चलो वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। पीछे आप लोगों को दिख रहा रहेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैचू है 182 मीटर का। और बाकी अभी हम लोग चलते हैं जहाँ से हम लोग ने बस लिया था, वहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर है। अगर हमें बाइक लाने दिया रहता ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता। अभी इतनी तेज़ धूप पड़ रही है ना, लिटरली आँख नहीं खुल रही है भाई। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है भाई, गांधी जी नहीं एक। अभी हम लोग यहाँ से अंदर की ओर जाएंगे तो लगभग 500 से 600 मीटर हमें चलना है। सो गाइज अभी हम लोग अंदर आ गए। तो ऋषभ भाई बाकी बताओ यार। बाकी तो भाई हैट्स ऑफ टू गुजरात पुलिस भाई, इतनी कोऑपरेटिव पुलिस ना भाई नहीं मिलती है भाई, बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं भाई। हम लोग कल 2 बार रॉन्ग मारे, अगर ये हम लोग बॉम्बे होते ना हमारा चालान कट चुका था और 2 डंडे भी खाए रहते भाई। यहाँ पे जो एंट्री के इधर पे आर्मी वाले हैं, वो लोग ने लिटरली हमें सर बोला यार, कितना रिस्पेक्टफुल। मतलब गुजरात में ना लोग ना बहुत अच्छे हैं। बट एक अंकल गया, हम लोग ब्लॉग बना रहे थे ना, तो देख के किया, तो मैंने भी उसको रिप्लाई में किया। ये चीज़ सही थी। हाँ तो आई लाइक इट सूर्या, मुझे तुम्हारी ये आदत अच्छी लगी। तो लोग कोई कोई जो रहते हैं वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, सो उन लोग को थोड़ा पट्टी पढ़ाना ज़रूरी होता है। और अभी हम लोग स्टैचू के करीब पहुँचेंगे ना, वैसे ही आप लोग को उधर का व्यू बताएंगे। सो वीडियो में बने रहिए गाइज, अगर आप लोग को कुछ भी अच्छा लगता रहे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ एंटी ब्रोस को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, एंटी ब्रो 17 को। हाँ भाई, सो प्लीज़, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, उसमें लाइव अपडेट हम लोग डालते रहते हैं। तो चलो गाइज आगे सीधा मिलते हैं हम लोग को। ये अच्छी फैसिलिटी दे रखी है एस्केलेटर की, एक खाली आप पैर रखोगे ना तो आ जाओगे इसको पकड़ना, खाली बस आपको ऐसे पैर रखना और चलते रहना है, कुछ नहीं करना है आप, खाली बस पैर रख दो आगे। ओ थोड़ा सा गाइड कर दिया, फन फिएस्टा आ गया भाई। यार स्टैचू परिश्रम कितना यूज है यार, मतलब लिटरली नहीं देख पा रहा हूँ, इतना यूज है। और पूरी मुंडी टेढ़ी करनी पड़ रही तब जाके मुझे दिख रहा। भाई टोपा बोला था, टोपे भी नहीं दिया जाने यार। क्या तो उसके भी नीचे हम लोग। तो देखते हैं, मैं आप लोगों को पूरा सर्कल में पूरा व्यू दिखाता हूँ कि कैसा है। बाकी अपना इंस्टा 360 चालू है और पूरा फुटेज आ रहा है भाई। तुमको ब्लॉग करना है तो कर लो, हम अपना डंडा पकड़ लेते हैं। सो यस गाइस, फाइनली जहाँ के लिए हम लोग आए थे पूरा मुंबई से बाइक चलाते हुए, और पहुँच गए। Thank you.
यहाँ से व्यू देखिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। एक्चुअली गोप्रो से हमें वहाँ पे भी व्यू प्रॉपर तरीके से मिल रहा था, बिकॉज ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा वाइड एंगल है तो इसमें अच्छे तरीके से आता है। तो अभी हम लोग सीधा अपने रूम के इधर पे निकलते हैं, बिकॉज हम लोग को घर की ओर भी निकलना है। सो 350 किलोमीटर हम लोग को गाड़ी चलाना है, सो थोड़ी बहुत एनर्जी भी तो होनी चाहिए। थोड़ा रेस्ट लेंगे, गोप्रो को चार्ज करेंगे, इंस्टा 360 को चार्ज करेंगे और फिर फटाफट से निकलेंगे, बिकॉज ज़्यादा डिले हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी चलाने में। सो फटाफट से चलते, वैसे भी हम लोग को हैबिट नहीं है अंधेरे में चलाने के। ऋषभ भाई चला लेते हैं अंधेरे में, बट अपने से नहीं होता है, दुनिया भर के कीड़े और मिट्टी आँख में जाती है, सो ज़रा भी चलाने नहीं होता है। सो गाइज हम लोग यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम लोग कोई भी वीडियो अपलोड करें। और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करना, वहाँ पे हम लोग अपडेट करते रहते हैं लाइव अपडेट। सो चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।